नमस्कार, मैं हूँ सुब्रत। ट्रेंड फॉलोअर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने जान लिया अभी मार्केट क्या है, अब फिर जान लिया कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अभी हमको और डिटेल्स में जाना है, और डीप में जाना है। तो मार्केट को समझने के लिए दो तरीका है, एक फंडामेंटल एक टेक्निकल। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल एक मिनट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मनी कंट्रोल में गया हम लोग, अभी बड़ा सा आर्डर है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जस्ट सिंपली कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे, HDFC। सिंपली एक कंपनी के ऊपर क्लिक किया, HDFC के ऊपर। नेट काफी स्लो लग रहा है भाई, पता नहीं, इंटरनेट तो फास्ट है, मैं शायद क्लिक ही नहीं हुआ था। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके, हमने कंपनी के ऊपर क्लिक किया। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ये है, उसका ओपन क्लोज वॉल्यूम उतना है, ये मार्केट कैपिटल इतना है, डिविडेंड इतना देता है, वो सब बहुत सारा चीज है। उसके बाद कॉरपोरेट एक्शन, इसका कब मीटिंग हो रहा है, कब इसका बिजनेस क्वार्टर का रिजल्ट है, बोर्ड मीटिंग कब है, क्या बोनस कब देता है, स्प्लिट कब करता है, तो ऐसा काफी सारा चीज हमको जानने का जरूरत है अगर हमको फंडामेंटल का थ्रू बिजनेस समझना है। तो फंडामेंटल तो मैं भी नहीं किया, ताकि ये काफी लेंदी है। मैं जब टेक्निकल सीखने से पहले मैं फंडामेंटल सीखता था। हालांकि फंडामेंटल अच्छा है, बट टेक्निकल सबसे इजी है। उसमें इजी में समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है अभी। तो अगर हम किसी बंदे को अगर देख ले, तो बंदा तो फिटफाट है, बहुत अच्छा हैंडसम है, तो क्या वो बंदा को हम फिट कह सकते हैं या परफेक्ट कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। परफेक्ट तभी होता है उसका जब हार्ट, लॉन्ग्स, शरीर का सारा पार्ट जो ठीक से चल रहा है, तो वो ओरिजिनल फिट है। तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं? ECG टेस्ट करते हैं। तो मार्केट का ECG टेस्ट वो टेक्निकल टेस्ट है, वो टेक्निकल एनालिसिस है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो मार्केट में एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है वो समझ में आएगा। फंडामेंटल में क्या हुआ? आज ये न्यूज आ गया, कल वो न्यूज आ गया, कितना न्यूज देखते रहोगे भाई? CNBC चैनल में कितना न्यूज आता है, कभी आप देखे होंगे तो समझ में आएगा। तो टेक्निकल जो रियलिटी है, अभी रियल में क्या हो रहा है। अभी सपोज कोई हमको गाली दे दिया, तो वो बाद में घर जाके क्या सोचेगा? मैंने उसको गलती में गाली दे दिया, वो क्या सोचेगा? ये सब बहुत वगैरह 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 थिंकिंग जो है वो फंडामेंटल की तरह काम कर रहा है। बट जो हम फील कर रहे हैं, वो गाली दिया तो हाँ, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, क्या
मेरा गलती क्या है, तो ये सब जो हम थिंकिंग अभी कर रहे हैं वो रियलिटी है, तो हम रियलिटी पे फोकस करेंगे। सो हम लोग फंडामेंटल की ओर जाएंगे। फंडामेंटल में तीन चार चीज है। सबसे पहले समझना होता है मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड तीन तरह की है, एक बुलिश मतलब ऊपर जा रहा है, एक बियरिश मतलब नीचे आ रहा है, एक साइडवेज मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मार्केट एक ही डायरेक्शन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो आगे हम जानेंगे कि बुलिश क्या है, बुलिश ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड क्या है। सो ये जानेंगे हम अगले क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।